तो काफी दिनों से जो आलू के बारे में जो अफवाह है या सच्चाई है क्या चल रही है उसका जो आज एक्सपेरिमेंट करते हैं। साकिब भाई पहले तो इस ग्लास को लगाओ। ये माहौल बहुत ही जबरदस्त माहौल हो चुका है यहाँ पर, आप देख सकते हैं हमारे गांव का जो लास्ट पॉइंट है जहाँ पर बारिश का पानी इकट्ठा होता है और पूरा बारिश का पानी है वो ये आप देख सकते हैं, ये जो नाले चल रहे हैं यहाँ पर इस तरीके से यहाँ से निकल रहे, बहुत ही शानदार। तो ये फिश थोड़ी बड़ी हो गई है, हमारे वाले थोड़ी छोटी है। ये देखिए आप, एंजल फिश है, ये बहुत ही खूबसूरत लग रही है। ये देखिए वो जो पिंजरे लगे हुए हैं उनमें है, और ये यहाँ पर देखिए ये ब्लैक बिल्ली है और ये यहाँ पर वाइट है। तो ये आप देख सकते हैं साइंस पार्क की जो पूरा जो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो बना हुआ है। ये है जोधपुर स्वीट होम अपने नेमी जी की। हाँ नेमी जी, क्या हाल चाल है? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ये है तो यहाँ पर नेमी जी ने नाश्ते की व्यवस्था कर दिया हमारे लिए। तो अभी हम यहाँ पर ये रबड़ प्लांट ले रहे हैं, एक तो यहाँ पर ले लिया है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो अभी मैं और मेरे साथ है शाहरुख, इसके अलावा बबलू को आगे से लेंगे और हमें जाना है मुकुंदगढ़ क्या नवलगढ़ जाके आ रहे हैं, और नवलगढ़ में कुछ काम है, छोटा सा काम क्या है वो मैं आपको आगे जाने के बाद बताऊंगा। फिलहाल आप देखिए बारिश देखिए कितनी खतरनाक बारिश हो रही है, और आप नज़ारा देख सकते हैं, तो बड़ा ही मजा आने वाला है आज बारिश में। तो अभी हम चलते हैं यहाँ से और आगे की जो भी एक्टिविटी है वो आपको आगे चल के दिखाते हैं। फिलहाल आप एक बार नज़ारा देखिए, ये आप हमारा जो रास्ता है वो देखिए कितना बारिश में, बारिश के पानी से पूरा लबालब है। तो काफ़ी दिनों से एक वीडियो वायरल हो रहा है कि भी आलू है उसको काट के ग्लास पे शीशे पे लगाने से बिल्कुल नहीं आती है। तो अभी हम चेक करेंगे वो चिकनाई, यहाँ पर हम शीशे में लगाएंगे। और ये देखिए यहाँ पर साकिर भाई भी आ चुके हैं और पूरा बीत चुके हैं। साकिर भाई कहाँ से आए हो आप? अरे तो काफी दिनों से जो आलू के बारे में जो अफवाह है या सच्चाई है क्या चल रही है उसका जो आज एक्सपेरिमेंट करते हैं। साकिर भाई पहले तो इस ग्लास पे लगाओ। वहाँ आप देख सकते हैं साकिर भाई यहाँ पर लगा रहे हैं, पूरे चारों तरफ लगाओ वहाँ, बिल्कुल एकदम बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल। और सुनो हाँ, इसके ऊपर भी लगाओ। हाँ तो आलू को जो है यहाँ पर ग्लास पे रगड़ने से उस पर जो चिकनाई नहीं रहती है, पानी नहीं रहता, ऐसा आपने सुना होगा। तो आज चेक करते हैं, साकिर भाई लगा रहे हैं, यहाँ पर लगाओ साकिर भाई, यहाँ धीरे धीरे लगाओ एकदम। यार ये जल्दी, मुझे लगता है कुछ ज्यादा फर्क पड़ा नहीं है। ये देखिए आप एक साइड में लगाया ना, यहाँ पे कुछ फर्क तो विशेष वैसे कुछ पड़ा है नहीं, कुछ पड़ा है क्या फर्क? यार ये जो ग्लास है ना इसमें तो कुछ फर्क पड़ा है। तो दोस्तों ये जो एक्सपेरिमेंट आलू वाला है वो बिल्कुल फेल है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने ये देखिए आलू भी कितना बड़ा वाला आलू है, और इसको हमने इस ग्लास पे लगाया था और एक साइड में लगाया, तो आप देख सकते हैं कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो ये सब अफवाह है। तो अभी हम निकलते हैं यहाँ से और फिर आगे की जो भी एक्टिविटी क्या रहती है आपको दिखाते हैं। ये माहौल बहुत ही जबरदस्त माहौल हो चुका है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर एक बार भाई अपने, और बारिश में बिल्कुल मजे ले रहे हैं आज। तो मैं तो आज मजा ले कौन सका। तो ये देख सकते हैं हमारे गांव का जो लास्ट पॉइंट है जहाँ पर बारिश का पानी इकट्ठा होता है और पूरा बारिश का पानी है वो ये आप देख सकते हैं, ये जो नाले चल रहे हैं यहाँ पर इस तरीके से यहाँ से निकलते हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए गाड़ी गई है और ये पूरा पानी है वो यहाँ निकल जाता है, इस खेत में आता है पूरे गाँव का पानी। और बारिश बहुत ही खतरनाक है, और पिछले काफ़ी दिनों से बारिश चल रही है, और लगभग हमारे गांव में ही होती है डेली, और अपने जो आसपास के इलाके में बारिश इतनी नहीं रहती है। अब आज का क्या रहता है वो तो आगे चलने के बाद में पता चलेगा। ये देखिए नाले देखिए कितने भयंकर तरीके से चल रहे हैं यहाँ से। अभी हम आ चुके हैं मुकुंदगढ़ में, ये है गोपीनाथ जी का मंदिर, और बारिश यहाँ भी बहुत ही खतरनाक है। तो दोस्तों कॉलेज रोड का नज़ारा देख सकते हैं आप, अभी हम कॉलेज रोड पे चल रहे हैं और नज़ारा आप देख सकते हैं, बारिश बहुत ही बेहतरीन हो रही है अभी, बहुत ज़बरदस्त। तो अभी यहाँ पर बाटी पेट्रोल पंप पे हम यहाँ पर डीजल ले रहे हैं और ड्राइविंग चेंज हुई है, सरू भाई को ड्राइवर सीट पे लाया गया है। तो दोस्तों अभी मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे जो काम क्या था नवलगढ़ आने का, काम हमारे ये था कि 5 या 4 दिन पहले एक हमारे गाँव में एक बंदा आया था यूपी से, जो मछली बेच के गया था और साथ में वो कंटेनर भी देके गया था, और इसके अलावा कुछ फूल खूबसूरत, तो वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था वो, तो हमने उसको ख़रीद लिया। और उसमें मछली एक कंटेनर में 3 मछली थी, 3 मेरे पास थी और 3 ही बबलू ने थी, है ना। तो दिक्कत ये हुई कि उनमें से एक जो मछली है वो तो मेरी वाली थी, वो परलोक से धार गई आज, और अभी 2 मछली मेरे पास बची है, 3 मछली अपने बबलू के पास बची है, तो हमें अब उनको मरता हुआ भी नहीं देख सकते। इसलिए किसी से पूछा है कि भाई उनको जिंदा रखने का कोई सोल्यूशन बताओ, तो जिंदा रखने का सोल्यूशन ये है कि हमें एयर पंप लेना है, और एयर पंप हम यहाँ पर नवलगढ़ में पता किया कि नवलगढ़ में डिपो के सामने कोई शॉप है, वहाँ पर उसके जो मछलियों के एयर पंप मिलते हैं, तो वहाँ से हम एयर पंप लेंगे और एयर पंप लगा के उन मछलियों को जिंदा रखने की कोशिश करेंगे। तो अभी उस शॉप पर चलते हैं
कुछ ही देर में नवलगढ़ आने वाला है और उस शॉप पे चल के वहाँ पर खरीदारी करते हैं, उसके बाद में आपको वहाँ पर आगे जो भी एक्टिविटी है वो आपसे मिलवाते हैं। तो हम पहुँच चुके हैं नवलगढ़ और ये नवलगढ़ बस डिपो आप देख सकते हैं वहाँ पर, और जिस शॉप पे हम आए हैं वो है बालाजी पेट्स एंड पोल्ट्री। अभी अंदर जाने के बाद में पता चलेगा, लेकिन देखने से लग रहा है कि यही शॉप है, तो इसके अंदर चलते हैं। तो ये है शॉप फिश पैराडाइज बालाजी पेट्स एंड पोल्ट्री राइज इंटीरियर। तो इससे हम अपने जो पंप वगैरह है वो लेते हैं। तो ये शॉप है, ये आप देख सकते हैं अंदर से, मैं आपको पूरी दिखा देता हूँ। और यहाँ पर ये देखिए फिश काफ़ी आपको मिलेंगी, इसको क्या बोलते हैं भैया, एक्यूरियम। ये एक्यूरियम है, एक्यूरियम में इनको रखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन अलग अलग क्वालिटी के एक्यूरियम आपको यहाँ पर मिलेंगे। इसके अलावा जो हमारे पास जो फिश है वो फिश ये वाली आप देख सकते हैं, इस टाइप की जो फिश है ये देखिए आप, बहुत ही शानदार। तो ये फिश थोड़ी बड़ी हो गई है, हमारी वाली थोड़ी छोटी हैं, और कुछ ये क्या पानी के अंदर से लगती भी है बड़ी, है ना। और ये ब्लैक फिश बबलू, ये कौन सी है, एंजल फिश। ये देखिए आप, एंजल फिश है ये, बहुत ही खूबसूरत लग रही है ये देखिए आप। और इसके अलावा यहाँ पर पेट्स वगैरह बिल्ली और जो खरगोश, इसके अलावा और क्या कह रखते हो भैया, ये आप बिल्ली देख सकते हैं, बर्ड्स भी हैं, काफ़ी अलग अलग तरीके के पक्षी हैं। आपको बाहर आपको मैं दिखाता हूँ एक बार, आप देखिए वहाँ पर वो जो पिंजरे लगे हुए हैं उनमें हैं। और ये यहाँ पर देखिए, ये ब्लैक बिल्ली है और ये यहाँ पर वाइट है, वो कुर्सियों पे बैठी हैं, यहाँ पर आराम कर रहे हैं आराम से। तो शॉप बहुत ही बड़ी है और सारा सामान इनके पास यहाँ पर मिलता है, बिल्ली पेट्स वगैरह किसी भी चीज़ के लिए, आप जो अनाज वगैरह उनको खाने के लिए जो फीड होता है वो फीड भी पूरा मिलता है। इसके अलावा और क्या क्या है आपके पास स्पेशल, स्पेशल है। अच्छा, जो कोई जानवर बीमार हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट के लिए भी है, बिल्कुल। तो उसका ट्रीटमेंट के लिए आप देख सकते हैं मेडिसिन, यहाँ पर आपको लगभग मेडिसिन पड़ी है यहाँ पर। तो सुविधा आपको जो पेट्स वगैरह के लिए सारी मिलेंगी यहाँ पे, बहुत बढ़िया भाई। और यहाँ पर जो शाहरुख और बबलू एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं मछलियों का, ये बहुत छोटी है यार, ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है, ये गोल्डन में, और ये चिकलेट फिश है, और ये भी गोल्डन में, ये मोलिया, ये मोलिया फिश आप देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन, ये टेट्रा फिश, और ये टेट्रा फिश। अच्छा अच्छा, तो इनमें जो भी लोग जो फिश खरीदते हैं उनको ध्यान रखने की जरूरत है कि ये जो एयर पंप है ये बहुत ज़रूरी है, अगर हम मछलियों को ज़िंदा रखना चाहते हैं तो एयर पंप की ज़रूरत है। और इस एयर पंप की वजह से ही आज हम यहाँ पर आए हैं और एक छोटा एयर पंप लेंगे और उनसे जो हमारे पास जो ऑलरेडी जो मछली हैं उनको कोशिश करते हैं कि वो ज़िंदा रह जाएँ, और उसके बाद में आगे भविष्य में, निकट भविष्य में हम ये भी लेने की कोशिश करेंगे। ये एक अलग ही फिश है आप देख सकते हैं, शक्कर फिश बोलते हैं, कौन सी फिश है, शक्कर फिश, शक्कर, हाँ। ये शक्कर फिश है बिल्कुल, ये वो कचरा होता है उसको। अच्छा अच्छा, ये कचरे को साफ करती है, अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल क्लीनर, ये क्लीन कर रही है, देखो ये देखो यार, ये बहुत ही अच्छी बात लगी। तो इसको बोलते हैं एक्यूरियम एयर पंप, ये आप देख सकते हैं, ये पंप हमने यहाँ से लिया है। और आपको भी अगर चाहिए, अगर आप अपनी मछलियों को ज़िंदा रखना चाहते हैं तो ये पंप ज़रूर लीजिए। और ये शॉप आप देख सकते हैं यहाँ पर नवलगढ़ में बस डिपो के बिल्कुल सामने। तो हमने इस शॉप से एयर पंप ले लिए हैं और अभी आगे चलते हैं, यहाँ पर नवलगढ़ में साइंस पार्क है, तो वहाँ पर जाके देखते हैं आज साइंस पार्क का जो नज़ारा है वो क्या रहता है। तो ये है नवलगढ़ का साइंस पार्क और इसका जो कुछ टाइमिंग रहता है लगभग 3 बजे तक ही इसमें एंट्री देते हैं, तो आज देखते हैं हमें एंट्री मिल पाती है नहीं, देखते हैं अंदर चल के क्या रहता है नज़ारा। पहले गाड़ी लगाओ सर भाई, और ये यहाँ पर एक हेलीपैड भी है ना, 6 बजे ये इसी में 6 बजे तक है, यहाँ लगा दे साइड में, सही आगे कोई गाड़ी वाड़ी नहीं आएंगी। और ये अपने जो आलू, एक आलू ख़राब करवाया है ये वीडियो वालों ने, वीडियो बना के फर्जी, तो उनको ये जनता है ना माफ नहीं करेगी। इस महंगाई के ज़माने में कितने आलू ख़राब करवा दिए आपने, फेंकते हैं इसको। तो अभी चलते हैं हम अंदर, अंदर चलते ही आपको कुछ जो नज़ारा है वो ऐसा कुछ दिखेगा, आप देख सकते हैं मेरे पीछे। तो ये आप देख सकते हैं साइंस पार्क की जो पूरा जो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो बना हुआ है, और अभी हम जो हमारी जो लोकेशन है हम इसके अंदर हैं, और इसके अलावा आप ये पूरा स्ट्रक्चर देख सकते हैं साइंस पार्क का। तो दोस्तों, हमने लगभग साइंस पार्क का आज भ्रमण कर लिया है, और अगर आपको साइंस पार्क की जो पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो
तो दोस्तों अगर साइंस पार्क वाली वीडियो आपको पूरी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, इसके अलावा आई बटन पे भी लिंक मिल जाएगा, तो आप क्लिक करके और ये जो साइंस पार्क वाली पूरी फुल वीडियो देख सकते हैं। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, तो अभी हम निकल रहे हैं वापस घर के लिए और आगे जो भी एक्टिविटी रहती है आपको दिखाते चलेंगे। ये आ गया है नवलगढ़ बस डिपो दोबारा से, आप देख सकते हैं। और जिस दुकान से हमने वो जो एयर पंप वगैरह लिए थे वो बालाजी फिश पैराडाइज, वो आप देख सकते हैं वहाँ पे। तो आज फिर मौसम ज़बरदस्त था, इसकी वजह से नर्सरी में आ चुके हैं यहाँ पर और एक बार फिर पौधे लेने का मूड बना है शाहरुख भाई का भी और मेरा भी, तो देखते हैं एक आध पौधे लेते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। तो अभी हम यहाँ पर ये रबड़ प्लांट ले रहे हैं, एक तो यहाँ पर ले लिया है और एक यहाँ से बबलू भाई है वो निकाल रहे हैं अच्छा सा देख के क्वालिटी का, और फिर यहाँ से निकलेंगे। पौधे आपको बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के आपको यहाँ पर मिलेंगे, इससे पहले भी मैंने काफ़ी पौधे ले लिए। तो ये रबड़ प्लांट हमने ले लिए हैं, इसके अलावा यहाँ पर भी आप देख सकते हैं काफ़ी गमले, आपको हर क्वालिटी के गमले, काफ़ी अलग अलग क्वालिटी के गमले आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, देख सकते हैं आप। ये देखिए बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन, और ये यहाँ पर आर्टिफिशियल प्लांट भी है, ये आप देख सकते हैं छोटे छोटे, बहुत ही बेहतरीन इंडोर के प्लांट है ये सारे। और आपको यहाँ पर बेहतरीन बेहतरीन जो गमले हैं वो देखने को मिलेंगे, देख लो कुछ दूँ। तो अभी घर के लिए कुछ भुट्टे लिए हैं, तो अभी बबलू का हम इंतज़ार कर रहे हैं और अपने ये है जोधपुर स्वीट होम अपने नेमी जी की। हाँ नेमी जी, क्या हाल चाल है? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ये है अपने नेमी जी, बिल्कुल बिल्कुल नेमी जी हमारे बहुत ही अजीज मित्र हैं और बहुत ही शानदार शख्सियत हैं, और इनकी शॉप आप देख सकते हैं ये जोधपुर मिष्ठान भंडार, बहुत ही शानदार शॉप है बिल्कुल। और ये अपने मंडावा स्टैंड है, मंडावा स्टैंड पे बिल्कुल एकदम जस्ट सामने आप देख सकते हैं यहीं पे। यहाँ पर मिठाइयाँ देखिए नेमी जी के पास, एक से बढ़िया एक यहाँ पर मिठाइयाँ आपको मिलेंगी। तो यहाँ पर नेमी जी ने नाश्ते की व्यवस्था कर दिया हमारे लिए, और जब भी आते हैं तो बिल्कुल नाश्ता यहाँ पर तैयार रखते हैं पहले से ही। और यहाँ पर बबलू भी आ गए, बबलू आ जा,